हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स एंड रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये DIY मेकअप फिक्सर, जिसे आप इजीली घर पर ही बना सकते हैं। और आप सभी जानते ही होंगे कि मेकअप फिक्सर कब, क्यों और कैसे यूज किया जाता है, और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। मैं आपको लास्ट में डेमो देने वाली हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसके रिजल्ट कैसे हैं। और अगर आप मार्केट से मेकअप फिक्सर लेकर आते हैं तो मिनिमम आपको 300 से 400 स्पेंड करना होता है, बट अगर आप इस तरह से इसे ट्राई करेंगे तो 2 से 3 रुपए में ही आपका ये DIY फिक्सर बनकर तैयार हो जाएगा, और आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट्स में मिल जाएंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो भी चीजें लेने वाली हूँ वो इजीली आप सभी के पास अवेलेबल होंगी, तो आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये RO वाटर लिया है, मैंने यहाँ पर जो कंटेनर लिया है उसका 3/4 पानी लिया है। आप जो भी कंटेनर ले रहे हैं उसका 3/4 पानी आपको यूज करना है। तो मैं यहाँ पर इसे ग्लास में बना रही हूँ पहले, उसके बाद मैं इसे स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर करूंगी। तो हमें इस तरह का स्प्रे बॉटल भी चाहिए जिससे आप इजीली फिक्सर को अप्लाई कर सके। तो इस तरह से मैंने लिया हुआ है और इसका 3/4 पानी मैंने यहाँ पर ग्लास में लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर ये रोज वाटर ऐड करने वाली हूँ। आप कोई भी रोज वाटर यूज कर सकते हैं, मेरे पास ये डाबर का है तो मैं यही यूज कर रही हूँ। और बहुत ज्यादा हमें ऐड नहीं करना है, 3 से 4 चम्मच ही हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं मेजर करके इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड कर दूंगी, इससे काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये रोज वाटर ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ग्लिसरीन, जो इसे स्टिकी बनाएगा, आपके मेकअप को सेट करने में हेल्प करेगा। ये इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1/2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, बहुत ज्यादा हमें ऐड नहीं करना है, वरना आपका ये फिक्सर बहुत ही ज्यादा स्टिकी हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो बस यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच लिया है और इसे मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एलोवेरा जेल। तो मैं यहाँ पर ये पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, आपके पास जो भी है आप वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल भी सिर्फ 1/2 चम्मच यूज करने वाली हूँ, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना है वरना ये थिक हो जाएगा। ये जो DIY फिक्सर है वो बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें एलोवेरा यूज किया है और साथ ही हमने इसमें ग्लिसरीन भी यूज किया है, जो बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे। प्लस जो ग्लिसरीन है वो बहुत ही अच्छे से आपके मेकअप को सेट करने में भी हेल्प करेगा। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे स्प्रे बॉटल में फिल कर लूंगी। स्प्रे बॉटल में आपको इसे अच्छे से फिल कर लेना है और इसके बाद इसे जब भी आप यूज करें तब इसे शेक करके यूज करना है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से फिल कर लिया है और इसके बाद हम इसे जब भी यूज करेंगे तो उसे शेक करेंगे, और हमें इस बॉटल को बिल्कुल फुल नहीं करना है, थोड़ा सा खाली रहना चाहिए ताकि जब आप इसे शेक करें तो अच्छे से शेक हो जाए। तो अब ये DIY फिक्सर रेडी है, मैं आपको इसे यूज करके भी दिखाती हूँ, इसका डेमो आपको देने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मेरा पैलेट लिया है, जो कि है जैकलिन हिल। ये ड्यूप पैलेट है बट इसके जो कलर्स है वो काफी ज्यादा पिगमेंटेड है, काफी अच्छे हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो ये इजीली आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, मैंने इसे अमेजोन से ही बाय किया था। अदरवाइज आपको ये काफी सारे इंस्टाग्राम स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग है और काफी अच्छा है, ये मुझे पसंद आया और इतना रिजनेबल है। सिर्फ मैंने इसे 350 रुपीज में ऑर्डर किया था। इसमें आपको 35 शीट्स मिल जाते हैं और सारे ही शीट्स काफी ज्यादा पिगमेंटेड है, मैं आपको स्वेच भी दे देती हूँ। तो ये देखिए काफी पिगमेंटेड है। अब सेम कलर्स मैं यहाँ पर अपने हाथ पर एक और जगह दिखा रही हूँ ताकि मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा सकूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने इसे अप्लाई किया है। अब इसके बाद मैं एक साइड पे फिक्सर अप्लाई करने वाली हूँ और एक साइड पे नहीं करूंगी, तो आप दोनों का रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे अप्लाई किया है और इसके बाद मैं इसे स्पॉन्ज से इस तरह से डैप डैप कर दूंगी ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। इसी तरह आपको अपने फेस पर भी करना है। इसे अप्लाई करने के बाद अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाएगा। और ये देखिए मैं इसे रब कर रही हूँ तो कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है,
और जहाँ मैंने स्प्रे नहीं किया था वो इजीली स्मज हो गया है, आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरह आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप महंगा प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिए, आपको इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।